हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने दांतों से काट लेता है तो दूसरे इंसान को कोई बड़ी बीमारी होगी या फिर कुछ नहीं होगा। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये सभी छोटी मोटी बातें जो हैं, जैसे कि एक इंसान का दूसरे इंसान को काट लेना, ये सभी चीज़ें आए दिन होते रहते हैं। हमें इन सभी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, कई बार हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस आते रहते हैं जिनमें कि मारपीट के दौरान कई लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने दांतों से काट लेते हैं। अब उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे, उस इंसान ने मुझे अपने दांतों से काट लिया, कहीं उसका विष मतलब कि जहर जो है वो मेरे शरीर में फैल ना जाए, ये बोलकर हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे, इंसान ने ही तो काटा है, क्या होगा, बोलकर छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के दूसरे इंसान को भी काटने पर हमें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी इन्फेक्शन का शिकार होकर किसी गंभीर बीमारी को दावत दे सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काट लेता है तो क्या होगा। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो इंसान दूसरे इंसान को काट लेता है, तो उस इंसान के लार से दूसरा इंसान जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान को काटता है तो हेपेटाइटिस बी, सी, टिटनेस, रेबीज, HIV, हर्पीज, होंठों के आसपास दाने निकल जाना जैसी बीमारियां होने का ज़्यादा डर रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही बीमारियां हो सकती है, बल्कि इसके अलावा भी और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे, इंसान ने ही तो काटा है, क्या होगा, अब इतने से के लिए इंजेक्शन क्यों लगवाऊँ, क्या पता इंजेक्शन लगवाने से मुझे कुछ हार्म हो जाए। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि एंटी रेबीज इंजेक्शन जो है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आप इस इंजेक्शन को अगर एक बार लगाते हैं तो आने वाले 6 महीनों तक अगर आपको कोई इंसान या फिर कोई जानवर काट लेता है तो उसका कोई भी इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे। अब इतना सब करने के बाद हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।